हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 1297th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात करियर्स के साथ। थैंक यू करता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं टीचर्स ट्रेनिंग एकेडमी को, जो है बाय मिसेस अवंती जोधपुरकर मैम, जो टीचर्स को मॉन्टेसरी टीचर बनने की तैयारियां करवाती हैं। उनका इंस्टीट्यूट है लक्ष्मी नगर में। धन्यवाद करता हूं मैं तुली कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट का। आज हम जिस सब्जेक्ट के ऊपर में बात करने वाले हैं वो है, टोपी देख के आप समझ गए होंगे, मैं शेफ बनने के बारे में बात कर रहा हूं आज, कि शेफ कैसे बन सकते हैं, बनने के बाद किस में स्पेशलिटी करनी चाहिए, क्या करियर होता है, क्या ग्रोथ्स होते हैं, क्या जॉब्स मिलती हैं नहीं मिलती हैं, और किस किस्म का करियर कोई युवा बना सकता है अगर वो तुली कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करता है और विशाल चवरे सर से पूछता है कि सर मैं शेफ बनूंगा क्या। सर नमस्ते, स्वागत आपका। थैंक यू सर। सबसे पहले सर, हाउ टू बिकम अ शेफ? सर देखिए, शेफ बनने के लिए ये रिक्वायर्ड सम स्किल्स और आप में एक एबिलिटी भी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको मिलती है अगर आप एक होटल मैनेजमेंट कॉलेज के थ्रू अपने बेसिक्स और एडवांस को काफ़ी अच्छे से कवर अप करते हैं। अगर आप कॉलेजेस में जाते हैं वहाँ पे आपको बेसिक नॉलेज दिया जाता है कि किस तरीके से आप इसकी पढ़ाई करें, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ। देन आपको एक ट्रेनिंग भी करना पड़ता है 5 से 6 महीने के, जिसमें आप होटल इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं कि किस तरीके से काम होता है, क्या क्या चीज़ें चलती है, किस तरीके से हम अपने आप को ऑर्गेनाइज करें। आफ्टर दैट कॉलेज में आके आप उसको एज अ अपना करियर पाथ बना सकते हैं। देखिए, होटल इंडस्ट्री में काफ़ी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिसमें से एक होता है फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जिसमें जो भी इंटरेस्टेड होता है वो ही इज बिकम अ शेफ। तो उसके लिए आपको काफ़ी अच्छा टेक्निकल साउंड क्या कहते हैं नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने आप को उस तरीके से ग्रूम करना पड़ता है, काफ़ी नॉलेज इकट्ठा करनी पड़ती है। देन उसको आप एडवांस लेवल्स में जाके आप एक स्पेशलाइजेशन कोर्स की तरफ बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप होटल मैनेजमेंट, तुली कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट से अगर आप अपनी पढ़ाई करते हैं, बेसिक तो क्लियर होता ही है, एडवांस लेवल तक जाते हैं, देन वी हैव वन मोर कोर्स विच इज़ द कलनरी आर्ट्स, जो स्पेसिफिकली शेफ लोगों के लिए बनाया हुआ है, जिसमें हम आपको मॉडर्न टेक्निक्स, बेसिक्स ओके, और प्लेटिंग्स रिलेटेड, कार्विंग्स रिलेटेड, अनदर टाइप ऑफ क्यूजीन लाइक स्पा क्यूजीन्स हो गया, अपने पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम उसको स्पेशलाइजेशन करवाते हैं। और एक चीज़, जब आप कॉलेज से अगर कोई पढ़ाई करते हैं, जैसे तुली कॉलेज ऑफ फूड में हम लोग काफ़ी अदर एक्टिविटीज़ भी कराते हैं। रिसेंटली हमारे यहाँ पे शेफ कंपटीशन हुआ है, जिसमें काफ़ी यंग बच्चों को एक मोटिवेशन मिलता है कि किस तरीके से हम इस होटल लाइन में या शेफ इंडस्ट्री में मूव करें। जी, काफ़ी क्रिएटिव जॉब है, काफ़ी कुछ सोचना पड़ता है, काफ़ी कुछ क्रिएट करना पड़ता है। एक नॉर्मल 5 से 6 इंग्रेडिएंट्स में आपको एक ब्यूटीफुल डिश बनानी पड़ती है, विद ग्रेट प्रेजेंटेशन, आपके नॉलेज के हिसाब से हर एक कंपोनेंट को प्लेस करके, देन उसको डेकोरेट करके एक छोटे से प्लेट में गेस्ट को प्रेजेंट करना होता है, विच इज वेरी क्रिएटिव एंड रिस्पॉन्सिबल जॉब। आप इसमें कोई भी मिक्स एंड मैच बीएड नहीं कर सकते, इसको आपको प्रॉपरली देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलेगी? दिल्ली कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, जहाँ पे आपको बेसिक से बताया जाता है कि क्या क्या कंपोनेंट, क्या क्या चीज और क्या क्या तैयारी आपको करनी होती है। सर, जब कोई शेफ बनता है तो या ये सोचकर आता है कि मुझे शेफ बनना है, तो आपने ये तो बता दिया कि सर उसने 12th के बाद एडमिशन ले लिया तुली कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट में। उसके बाद फिर सर कब ऐसा वक्त आता है जब वो ये डिसाइड करता है कि मुझे फ्रंट में होटल में या होटल इंडस्ट्री के फ्रंट लाइन में काम करना है या पीछे काम करना है, मतलब एज अ कुक, एज अ शेफ काम करना है, ये कब डिसीजन कब लेता है एक व्यक्ति? देखिए, 50-60% ऐसे बच्चे होते हैं जो पहले से ही सोच के आते हैं कि मुझे किचन लाइन में जाना होता है। बाकी जो बच्चे होते हैं, जैसे जैसे ये कोर्स को वो लोग कंप्लीट करते जाते हैं, क्योंकि बेसिक फर्स्ट ईयर में जो सारी बेसिक चीज़ें होती हैं वहाँ पे उनको अदर हर एक डिपार्टमेंट में काम करने को मिलता है। देन सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, अपने थर्ड ईयर में वो स्पेशलाइजेशन सोचते हैं
किस तरीके से कहाँ पे मूव करना है। यहाँ पे आप जो होटल्स में ट्रेनिंग करते हैं वहां से आपको क्लियर आइडिया मिल जाता है कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट चूज करना है, कौन सी स्पेशलिटी करनी है, देन किस तरीके से आपको उसको एग्जीक्यूट करना है। बिकॉज आपको प्रॉपर गाइडेंस भी मिलता है, हमारे कॉलेज में जो एक्सपीरियंस स्टाफ है ये आपको पूरी तरीके से गाइड करते हैं कि आप किस तरीके से कौन सा पाथ चूज करें, कौन सा डिपार्टमेंट आपको लेना चाहिए, आपके पर्सनालिटी के हिसाब से, आपके नॉलेज के हिसाब से उस तरफ मूव होना जरूरी होता है। तो ये सारी चीज आपको यहाँ पे सिखाई जाती है। सर क्या जब एक शेफ कोई बन जाता है, यहाँ से पास आउट कर लेता है, सर कहाँ कहाँ जॉब्स मिल सकते हैं और क्या क्या सैलरीज मिलती हैं? सर देखिए मैं एक बात बता दूँ, ये एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे आपको मल्टीपल जॉब्स मिलते हैं, मल्टीपल। आप एक कोर्स से यू कैन बिकम लाइक आप अपना एक खुद का शॉप ओपन कर सकते हैं, बिकम एंटरप्रेन्योर, यू कैन वर्क इन होटल, रेस्टोरेंट, एयरलाइंस, रेलवेज, देन यू कैन बिकम ए यूट्यूबर। ओके, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, यू कैन परस्यू जो कन्या आगे की स्टडीज के लिए जा सकते हैं, इवन इंडिया प्लस एब्रॉड दोनों जगह आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। एक बात मैं बता दूं, अगर आप फूड इंडस्ट्री की बात करें, इट्स अ 950 US मिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। तो सोचिए इतनी बड़ी इंडस्ट्री में जब आप जॉब करने जाओगे, वैकेंसीज बहुत होती है, स्किल्ड जॉब, स्किल्ड वर्किंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसीलिए ये कॉलेजेस जो हम जहाँ पे हम पढ़ाते हैं आपको, जहाँ पे एज ए शेफ तैयार करते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता है। जब आप उस इंडस्ट्री में या स्पेसिफिक जगह पे काम करते हैं, वहाँ पे देखा जाता है आप किस नॉलेज के हिसाब से आए हैं और आप कैसे परफॉर्म करेंगे, उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपकी सैलरी प्लस होगी, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो भी सर जब पहला जॉब होता है, जब आप यू नो यहाँ से कॉलेज से तैयारी करके जाते हैं, तो सर कितना वक्त लगता है उस लेवल पे आने का जब आप लाखों रुपए कमाना शुरू कर देते हैं? देखिए ये चीज होती है आपके एक्सपीरियंस पे, जब तक आप इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं लेंगे तब तक आपको कोई एक एक्सपोजर नहीं मिलता। आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस लेने शुरू करते हैं वैसे वैसे आपकी सैलरीज भी इंक्रीज होने लगती है। आपको ज्यादा ज्यादा फोकस करना पड़ता है आपके करियर, आपको क्या आगे करना है, किस लेवल पे जाना है, अगर आपको एग्जीक्यूटिव शेफ पे जाना है तो सारे स्टेप्स को दिमाग में रख के आगे बढ़ना होता है जी। और एज ए इमेजिन आपको एक बात बता दूं, सू शेफ, एग्जीक्यूटिव शेफ, जो मास्टर शेफ होते हैं, उनकी सैलरी लाखों में होती है। सो आपको वहां पहुंचने में टाइम जरूर लगता है, पेशेंस बहुत जरूरी होता है, बट विद इन 6-7 ईयर्स में आप उस पोजिशन के में पहुंचने के पूरे लायक हो जाते हैं, अगर आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पास आउट होके जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि जो बेसिक फाउंडेशन नॉलेज है वो आपको कॉलेज से ही मिलती है। सर ये कोर्स जो होता है ये कितना बड़ा कोर्स होता है, और क्या तुली कॉलेज में पढ़ने के बाद, तुली कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट में कोर्स करने के बाद, क्या कोई स्पेशलाइज कोर्स करना चाहिए फॉर द बेटरमेंट एंड प्रोबेबली टू बिकम अ बेटर शेफ? देखिए हमारे जो कॉलेज में ना पहले से ही पूरा एक कंप्लीट कोर्स आप कह सकते हैं, जो सब्जेक्ट या फिर जो सिलेबस ऐसा डिजाइन हुआ है कि वो उस हिसाब से वो मोल्ड हो जाता है। ओके, देन आप कह रहे हैं कि कोई स्पेशलाइज कोर्स है, वी ऑलरेडी हैव कल्नरी आर्ट्स कोर्स विच इज 6 मंथ डिप्लोमा कोर्स, जो आपको इंडिया एंड एब्रॉड दोनों के लिए वैल्यू एडेड कोर्स है। ये करने के बाद आपकी अपॉर्चुनिटीज ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। इवन आप एब्रॉड में आप इजीली आप अप्लाई कर सकते हो, इजीली आपको जॉब मिल जाती है। सो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड। ओके सर, मेरे आखिरी के दो सवाल, एक ये कि सर व्हाट इज योर टिप टू ऑल द यंगस्टर्स आउट देयर हु आर फूडीज, हु लव फूड एंड दे वांट टू बिकम शेफ्स, व्हाट इज देयर, व्हाट इज योर पीस ऑफ सजेशन टू देम? माय सजेशन इज कि आप सबसे पहले इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लीजिए, वर्क फॉर 4-5 ईयर्स, वहाँ का फील लीजिए, वहाँ पे क्या चीज़ होती है, वहाँ के जो लोगों से PR बढ़ाइए। ये चीज सबसे इम्पोर्टेंट है जब आप इस इंडस्ट्री में एज को एक शेफ बनना होगा। देन पेशेंस, पेशेंस रखिए, क्योंकि जितना आप पेशेंस रखेंगे आप उतना अच्छा ग्रोथ करेंगे। अगेन क्रिएटिविटी, जब आप अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, अच्छे लोगों से मिलते हैं, एग्जीक्यूटिव शेफ, मास्टर शेफ से आपसे जब ट्रेनिंग होती है तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है, वहाँ से क्रिएटिविटी बढ़ती है आपको। सो ये सारी चीज़ें हैं आपको मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, तब आप जाके एक प्रोफेशनल शेफ कहलाते हैं।
सर वाई तुली कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, वाई शुड समबडी डू अ होटल मैनेजमेंट कोर्स फ्रॉम हियर? तुली कॉलेज आपको एक ऐसा टोटल पैकेज देता है सिलेबस का या फिर कोर्स का, जिसमें आप एक नॉर्मल कोई भी जगह 12th पास होके आता है जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं होगी इंडस्ट्री की, वो एक प्रोफेशनल बन जाता है। बिकॉज इसमें जो कोर्स डिजाइन ऐसे तरीके से किया हुआ है कि आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज दी जाती है। इसमें आपको किस इंग्रीडियंट से क्या बनाना है, अदर डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, इसमें भी आप अपने आप के पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पे प्रैक्टिकल वे में सिखाते हैं। देन वी हैव 100% जॉब गारंटी। आप ये कोर्स करने के बाद आपके हाथ में जॉब 100% रहेगी, इंडिया प्लस एब्रॉड और एक जगह। अगर आपको अपने कोर्स में वैल्यू एडिट कराना है, कोई नई चीज़ सीखनी है, वी हैव कलिनरी आर्ट्स कोर्स इस CTN क्रीड के थ्रू, पेडिसिल कोर्स, ये भी 6 मंथ का कोर्स है जो आपके रेज्यूमे में एक वैल्यू एडेड चीज एड अप कर देगी। तो ये सारी चीज मिला के आप इस कॉलेज को चुन सकते हैं। देन वी हैव मास्टर्स कोर्स ऑल्सो, तो आपको एक पूरा सब कुछ यहाँ पे एक पैकेज मिल जाता है। देन आपको बहुत सारे एक्सपोज मिलते हैं, वी हैव कॉम्पिटिशंस, वी हैव लॉट्स ऑफ स्टॉल्स हम लोग प्लेस करते हैं, देन एक्टिविटीज होती है, देन वी हैव स्पोर्ट्स, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड हियर। And more than that, opportunities to go and work. Yes. तो ये सारी चीज़ें आपको आपको abroad jobs के लिए कोई problem नहीं होती। यहाँ पे आपको abroad job के लिए जाना है, आपके लिए सब available है, easily, trustable and बहुत अच्छी opportunity मिलती है। सर मुझे ऐसा लगता है कि आज इस विषय पे बात करना ज़रूरी भी था, क्योंकि लोग खाना तो जानते हैं लेकिन खाने के पीछे जो मेहनत है उसको शायद जानना बड़ा डिफिकल्ट है। साथ ही साथ ये बड़ा आपने अच्छा बताया कि एट तुली कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट यू जस्ट नॉट जस्ट यू नो टीच कुकिंग बट ऑल्सो यू ट्रेन देम टू बी ग्रेट शेफ्स। एंड आई रियली यू नो कंग्रेचुलेट यू फॉर यू डूइंग अ सच अ ग्रेट जॉब। बहुत हज़ारों स्टूडेंट्स को आपने ट्रेन किया, इंस्पायर किया, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी आप ऐसे इंस्पायर करते रहेंगे और बच्चे आगे बढ़ते रहेंगे। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। विशाल चवरे सर से बात हुई, मुलाकात हुई, आज ये शेफ कैप पहनकर मेरा भी एक सपना पूरा हुआ शेफ कैप पहनने का। लेकिन शेफ बनने का सपना अगर आपका है तो योर डेस्टिनेशन इज तुली कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, जहां पर आप आ सकते हैं, कुकिंग सीख सकते हैं एंड शेफ बन सकते हैं और लाखों रुपए साल की कमा सकते हैं। करियर बनाना है शेफ का तो तुली कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट आना पड़ेगा। बस जिंदा रहे, जय हिंद।